DPI सेटिंग, हर एक गेमर की दिल की धड़कन, मतलब इसको ज्यादा बढ़ा दिया तो प्रॉब्लम और घटा दिया तो खत्म। पर भाई लोग, तुम मानो या फिर ना मानो, जिस जिसने भी DPI का यूज किया वो गया हेडशॉट मार के। अच्छा, मतलब भाई लोग, ये DPI नामक सेटिंग इतना खतरनाक है कि साधारण से साधारण गेम प्ले अचानक से असाधारण मूवमेंट के साथ हेडशॉट मारना शुरू कर देता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चलो भाई देखो। भाई ये क्या है भाई, ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा। पर मेन बात भाई लोग, इस DPI का भी एक सीमा होती है। सीमा का मतलब लिमिट होता है। हाँ हाँ, वही लिमिट होता है। मतलब भाई लोग, इस DPI को ज्यादा भी बढ़ाना नहीं है और कम भी नहीं रखना है। मतलब तुम्हारे मोबाइल के हिसाब से जो DPI फिट बैठेगा उसे ही तुम्हें रखना है, और उसको ही कहते हैं सीक्रेट DPI। ठीक है, समझ गया। और भाई लोग, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो DPI के बिल्कुल ही अगेंस्ट में होते हैं। मतलब उनका मानना है कि DPI सेटिंग यूज करने से ID बैन हो जाती है और इससे मोबाइल भी ब्लास्ट हो सकता है। परंतु आज तुम्हारा भाई तुम्हें तुम्हारा मोबाइल का बेस्ट DPI सेटिंग फाइंड करना सिखाएगा, चाहे इसमें तुम्हारा भाई का मोबाइल ब्लास्ट क्यों ना हो जाए। क्या बोला तू? कुछ नहीं बोला। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। क्या बोला? कुछ बोला नहीं। नहीं, तू कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। तूने कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। तूने बोला? तूने बोला? तूने बोला? नहीं भाई लोग, मेरा मोबाइल का रिस्क मैं नहीं लेने वाला। बाहर में गया DPI, क्या पता मेरा भी मोबाइल फट जाए। लेकिन भाई लोग, आज तुम्हारा भाई सारे सीमाओं का उल्लंघन करने वाला है। मतलब तुम कैसे तुम्हारा मोबाइल का बेस DPI सेटिंग फाइन कर सकते हो वो सिखाने वाला है। साथ ही साथ भाई लोग, तुम्हारा हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, लाइक DPI यूज करने से ID बैन होती है, या फिर मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर जो लेजेंड प्लेयर होते हैं वो कितना DPI यूज करते हैं, तो ये सब कन्फ्यूजन आज क्लियर होने वाला है। सो आ जाओ, वीडियो को शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो भाई लोग, सबसे पहले DPI काम कैसे करता है सो उसको पहले जान लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टैप करके वहाँ तक ले जाएंगे और देखते हैं मुझे कितना टाइम रोटेशन करने को मिलता है। तो भाई लोग, यहाँ पर मुझे डिफॉल्ट DPI में 3 टाइम रोटेशन करने को मिला है। अब भाई लोग, मैं DPI को 700 कर लिया है और इस बार देखते हैं मुझे कितना टाइम रोटेशन करने को मिलता है। आए हाय, इतना सुकून। मतलब भाई लोग, यहाँ पर मुझे 700 DPI करने पर इतना ज्यादा रोटेशन करने को मिला, जो कि किसी भी एनिमी को हेडशॉट मारने के लिए काफी है। मतलब भाई लोग, DPI इंक्रीज करने से हमारा सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लिटरली बहुत ज्यादा। लेकिन भाई लोग, ये मेरा बेस्ट DPI नहीं है। मतलब मेरा जो मोबाइल का बेस्ट DPI है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो है 428। अब तुम लोग बोलोगे, अरे भाई तुम्हारा मोबाइल का बेस्ट DPI सेटिंग तुमने कैसे फाइंड किया? तो बड़ा ही सिंपल है, तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे आना और 400 से 700 के बीच में कोई भी DPI नंबर चूज कर सकते हो। पहले 400 रखना, उससे भी हेडशॉट नहीं लग रहा है तो 450 कर लेना, और उससे भी हेडशॉट नहीं लग रहा है तो तुम 500 तक जा सकते हो, और ऐसे करके तुम्हारा मोबाइल का बेस DPI सेटिंग जान सकते हो। और ये सिर्फ तुम नहीं करोगे बल्कि हर एक लेजेंड प्लेयर करता है। मतलब भाई लोग, जिन लोगों को तुम देखते हो, जिन लोगों को तुम पसंद करते हो, वो लोग भी ऐसे ही बेस DPI फाइन करता है, और मैं खुद ऐसे ही मेरा मोबाइल का बेस DPI सेटिंग फाइन किया हूं। अब बात करते हैं कि DPI यूज करने से ID बैन होती है, तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तुम बिंदास DPI लगा के खेलो, तुम्हारा ID कभी भी बैन नहीं होगा। और लास्ट कंफ्यूजन, जिसकी वजह से काफी सारे बंदे DPI यूज नहीं करते हैं, वो है फोन डैमेज। क्या DPI यूज करने से मोबाइल डैमेज हो जाता है? तो इसका आंसर है हाँ होता है, या फिर नहीं भी होता है। देखो भाई लोग, तुम्हारे मोबाइल के अंदर एक ऑलरेडी DPI नंबर होता है, अगर तुम उसको ज्यादा बढ़ाओगे या फिर घटाओगे तो तुम्हारे मोबाइल पे पहले से ज्यादा लोड पड़ेगा, और ज्यादा लोड पड़ने की वजह से मोबाइल धीरे धीरे डेड हो जाएगा। लेकिन भाई लोग, ये तभी होगा जब तुम DPI को ज्यादा बढ़ाकर खेलोगे। मान लो तुम्हारा मोबाइल का 4GB रैम है और तुमने DPI यूज कर लिया 800, तब तुम्हारा मोबाइल धीरे धीरे डेड हो जाएगा। लेकिन भाई लोग, तुम अगर DPI को 200 या फिर 300 के अंदर हो तो तुम्हारा मोबाइल आराम से सर्वाइव कर जाएगा। तो भाई लोग, आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम DPI लगा के खेलो, मस्त खेलो।